देखिए आज हम लोग एक ये टॉपिक बहुत पहले का है लेकिन अभी हाल फिलहाल ही चर्चा में आया है। टॉपिक इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। सारा डाटा हम लोग पहले से लिख के रखें ताकि समय ज़्यादा ना लें और हम लोग अच्छे तरह से समझने का कोशिश करेंगे। CAA का पूरा फुल फॉर्म हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 का ही एक्ट है लेकिन अभी हाल फिलहाल 11-12 मार्च को गृह मंत्रालय इसका अधिसूचना जारी किया है तो इसलिए चर्चा में आ गया। अब देखिए सी ए है क्या, नागरिकता संशोधन अधिनियम है। सबसे पहले जानेंगे है क्या नागरिकता है क्या। तो अपने देश में जो है नागरिकता 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत हम लोग को नागरिकता मिला है। किस 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत हम लोग को नागरिकता मिला है। कि जो नागरिकता है इसका चर्चा संविधान के भाग दो में किया गया है, वो भी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। अब हम लोग जानेंगे चीज क्या है। देखिए 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधित करके CAA का संशोधन हुआ है तब 2019 ईस्वी में। सबसे पहले चर्चा में तब आया किसी अन्य देश के लोग को नागरिकता देने का बात जब उठा तो इसको लेकर चर्चा में आया। अब देखिए इसका डाटा 31 दिसंबर 2024 के पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक क्या हुआ, जिसका आबादी उस देश में कम, हिंदू बौद्ध जैन सिख पारसी ईसाई यानी 6 धर्म के लोग को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए CAA लाया गया। अब देखिए किस किस देश के लिए लाया गया तो इसका याद रखने का ट्रिक है, भारत क्या है ये तीनों का बाप है यानी बी से बांग्लादेश ए से अफगानिस्तान और पी से पाकिस्तान। यानी बाप याद रखना है, बाप में तीनों आ गया पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश। यहाँ जो धार्मिक प्रताड़ना हो रहा है ये अल्पसंख्यक के प्रति उसी के लिए CAA लाया गया। 9 दिसंबर को जो है ये 2019 में लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा में 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को राज्यसभा में, और 12 दिसंबर को मंजूरी मिल गया राष्ट्रपति का। और उस समय राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद और पीएम थे मोदी जी। पीएम तो अभी भी मोदी जी लेकिन करंट में भी हम लोग का राष्ट्रपति चेंज हो गया, कौन हो गया, द्रौपदी मुर्मू। कब की घटना है 19 की, बोल रहा है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आया है उसको नागरिकता देने के बारे। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 लोग को नागरिकता देके इसको लागू कर दिया गया। अब लागू कर दिया गया कब 2019 में, लेकिन चर्चा में 24 में आया क्योंकि 11-12 मार्च के आसपास इसका अधिसूचना गृह मंत्रालय जारी किया है अधिसूचना। अब इसमें है क्या, देखिए मुस्लिम शामिल नहीं है क्योंकि वो वहाँ बहुसंख्यक है। ये तीनों देश में जो मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया इसी 6 को शामिल किया गया, क्यों, क्योंकि मुस्लिम वहाँ बहुसंख्यक है यानी मुस्लिम का आबादी वहाँ ज्यादा है, ये लोग अल्पसंख्यक में था इसीलिए इसमें लागू किया गया। अब देखिए इसमें नागरिकता में हुआ क्या समझने का पहले कोशिश करेंगे, क्या कि इसमें बहुत लोग को लग रहा है नागरिकता किसी का कट रहा है झूठ रहा है, हम लोग समझते हैं चीज है क्या। 2014 से पहले जो लोग यहाँ आए थे ठीक उसको तो नागरिकता मिलेगा ही, वो तो क्लियर है जो 2014 से 31 दिसंबर 2014 के पहले आया। दूसरा पॉइंट है जो 2014 के बाद आया, तो 2014 के बाद आया वो 6 वर्ष तक लगातार भारत में रहना होगा उसको भी नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन अभी अभी जो आया है उसके लिए सबसे मेन चीज CAA काम करेगा। पहले था कि भारत में 11 साल रहेगा कोई व्यक्ति तब उसको नागरिकता मिलेगा, लेकिन इससे ये तीन देश के लिए ये 6 जाति के लिए 6 धर्म के लिए 11 वर्ष के लिए घटा के कितना कर दिया 5 वर्ष, यही है मेन सार इसका, 11 वर्ष के लिए 5 वर्ष कर दिया है। अब देखिए ये तो लागू हो गया लेकिन ये पूरे भारत में लागू नहीं होगा बल्कि कहाँ लागू होगा, किस किस स्टेट में, तो अनुसूची 6 में 4 स्टेट आता है, मेघालय असम मिजोरम त्रिपुरा। इसको हमें ट्रिक से याद करने का कोशिश किया, मैं हम लोग बोलते हैं मैं मेरा कोई मित्र है लेकिन यहाँ मित्र का जस्ट उल्टा, मेरा कोई अमित्र है, मैं से मेघालय अ से असम मी से मिजोरम ती से त्रिपुरा, मैं अमित्र याद रखना। इसमें 4 स्टेट आ जाएगा, कभी कभी कुछ राज्य आएगा जैसे मणिपुर ऑप्शन में रहेगा, देखिए मणिपुर कहीं से नहीं बन रहा है तो नहीं होगा, मेघालय असम मिजोरम त्रिपुरा ये 4ों में लागू नहीं होगा। इसके अलावा ILP राज्य में भी लागू नहीं होगा। ILP में देखिए 4 स्टेट है जिसमें से 2 तो यहीं से मिल गया, एक मिजोरम आपको और एक सिर्फ मिजोरम यहाँ से एक मिला, बाकी 3 अलग अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम, यानी टोटल जो है 7 में काम नहीं करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेट में CAA काम नहीं करे। अब ILP है क्या, सवाल ये उठता है, तो इसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट
इन राज्यों में जाने के लिए, यानी ये चारों राज्य इसमें जाने के लिए हम लोग को इनर लाइन परमिट लेना होता है। बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई खास परेशानी नहीं होता। हम लोग ऑफलाइन भी फॉर्म भर के ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वहाँ की सरकार देती है। लेकिन इनर लाइन परमिट है क्या, इसको एक बार समझते हैं। एक दस्तावेज जो भारतीय के पूर्वोत्तर राज्य, ये चारों क्या है, पूर्वोत्तर राज्य में आदिवासी वाले पहाड़ी क्षेत्रों को मैदानी इलाकों से अलग करता है, उसी को बोलते हैं इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। अभी तो वह नागरिकता। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, भारतीय लोग पर सी ए लागू होता है? नहीं, भारतीय पे लागू नहीं होता, बल्कि इन तीन देश पे लोगों पे होता है, और इस छह धर्म के लिए विशेष रूप से। ध्यान रखिएगा, कभी ऑप्शन दे सकता है, दे देगा, एक मुस्लिम घुसा देगा बीच में, तो याद रखिएगा मुस्लिम नहीं होगा। अब आइए, अब भारत में नागरिकता प्राप्त करने का पांच विधि है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का पांच तरीका। एक तो जन्म के आधार पर, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी देश में जन्म लिया उसको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाती है, जैसे हम लोग को भी इसी आधार पर मिला हुआ। दूसरा है वंश के आधार पर, अब या तो किसी का भी जन्म होगा तो उसके जन्म में या तो माता हो या पिता, कोई भी एक भारतीय हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, किसके आधार पर, वंश पे। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं, एक महान क्रिकेटर है शिखर धवन, इनको इसी आधार पर नागरिकता, क्रिकेटर है शिखर धवन, इन्हीं आधार पर मिला। अर्जित भूमि, अगर मान लीजिए अपना देश आज ने कल मान लीजिए पाकिस्तान पे अटैक किया, पूरा पाकिस्तान को अपने में मिला लिया, जैसे ही उसको मिलाया तो वहाँ के सब लोग को ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाता है कि उसी को हम मिला लें। उसी प्रकार पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में जब सिक्किम अपने देश में शामिल हुआ, सिक्किम 22वां राज्य बना था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, सिक्किम केमा राज्य, तो सिक्किम 22वां राज्य जब बना था, 22वां राज्य 1975 में, तो इसको अर्जित भूमि के आधार पर मिला था। चौथा है पंजीकरण। पंजीकरण क्या है, पंजीकरण भारत में आइए पंजीकरण कराइए, उसके आधार पे आपको रजिस्ट्रेशन के आधार पर, लेकिन कम से कम 7 साल आपको रहना होगा, या फिर कोई विदेशी पुरुष, अगर कोई भारतीय पुरुष विदेशी महिला से शादी करता है तो वो भी इस विधि से, पंजीकरण विधि से 7 साल पूरा करके ले सकता है। अभी शायद कैटरीना कैफ, वो भी पंजीकरण के माध्यम से ही ली हुई। पांचवा है देशीकरण, इसमें से कुछ कुछ इसका शर्त है जिसको मानना होगा। संविधान में 22 भाषा का चर्चा है, 22 भाषा में किसी एक भाषा का अच्छा जानकार होना चाहिए, अपने देश का त्याग, वहाँ का जिस देश से आया वहाँ का नागरिकता त्यागा हो, इसका सूचना भारत सरकार को देना होगा, या फिर अगर इस सब को फुलफिल नहीं करता है तो विश्व साहित्य या विश्व शांति इटीसी में महत्वपूर्ण योगदान, उस आधार पे एक को मिला है, उसका नाम हम लोग जान लेते हैं, बहुत महान नाम है, मदर टेरेसा, इनका नाम हम लोग सुने, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 1979 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1979 में। अब आइए हम लोग देखते हैं, पांच तरह से नागरिकता मिलेगा, लेकिन अब नागरिकता समाप्त के तरह से होगा तो तीन तरीके से, जिसमें पहला है स्वतः, यानी हम लोग अपने आप अगर छोड़ देंगे तो नागरिकता समाप्त होगा। दूसरा बर्खास्तगी या निलंबन, जब सरकार करेगी बर्खास्तगी या निलंबन, तो जैसे विदेशी ग्रहण कर ली, हम लोग अपना देश का छोड़ के विदेशी ग्रहण किया तो सरकार बर्खास्त या निलंबन कर देगा। और तीसरा वंचित करना, यानी जब किसी को वंचित करेगा, जैसे कोई पागल हो गया, दिवालिया हो गया, तो उसको वंचित कर, जैसे अभी विजय माल्या देश से फरार है, इसका नागरिकता सरकार छीन ली है। लेकिन इसमें से कुछ शर्त, जैसे पहला भारत की नागरिकता असंवैधानिक रूप से ग्रहण किया हो तो भी वंचित के आधार पर समाप्त होगा, देशद्रोही हो गया तो भी समाप्त होगा, या पंजीकरण के माध्यम से मान लीजिए पांच नागरिकता ले लिया लेकिन 5 साल में कुछ ऐसा काम किया कि 2 साल का उसको सजा हो गया तो भी उसका वंचित कर देगा। अगला पंजीकरण से नागरिकता ग्रहण करने के बाद भी नागरिकता ग्रहण कर लिया और 7 साल से देश में है ही नहीं तो भी समाप्त हो जाए, और भी तरीका, लेकिन मेन मेन जो शर्त है वो हम आपको लिखा है। अब नागरिकता पढ़ लिए, 5 से 11 के बीच आता, लेकिन क्वेश्चन खूब पूछता है इनमें से कि आर्टिकल 5 में क्या है, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब देश में संविधान लागू हुआ उस पे आधार पर नागरिकता आर्टिकल 5 में मिला, और नागरिकता 1955 के नागरिकता अधिनियम से लागू हुआ है। अगला है आर्टिकल 10, यानी अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना या आर्टिकल 10 में, तीनों क्वेश्चन खूब पूछता है, खूब वीवीआई आपका तीनों क्वेश्चन। और तीसरा अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना, तीन आठ। अब देखिए पूरा सार क्या है, एक मिनट के वीडियो में देखते हैं। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यानी बाप में तीनों देश आ गए, चाहे अल्पसंख्यक में 6 धर्म हिंदू बौद्ध जैन सिख पारसी ईसाई के लोग को भारत में नागरिकता देने के लिए लाया गया। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति मंजूरी दिया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे उस समय। 20 दिसंबर को ही इसको लागू कर दिया था, 7 पाकिस्तानी को नागरिकता दे गया। मुख्य सार था 11 वर्ष के स्थान पर 5 साल में ही नागरिकता मिल जाएगा।
और विशेष रूप से भाग दो को हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें से 25 भाग है संविधान में, संविधान का जब भाग का चर्चा करेंगे तो क्लियर करेंगे। बाकी इससे आपका जो क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।